हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। अपने लास्ट क्लास के अंदर अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लेता, तो इस क्लास के अंदर अपन लवण और पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो, लवण जो होता है वो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है, ठीक है। जैसे अम्ल है, अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण का निर्माण होता है और इसके साथ में जल का, ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तो मान लो लवण है HCl, ठीक है, और क्षार के रूप में NaOH, ठीक है। जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या निकलता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2O जल, ठीक है ना। तो ये एक लवणीय जल है। ये क्या है? ये एक लवणीय जल है, ठीक है। तो ये लवणीय जल है, इससे क्लोरीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये जो क्लोरीन है, तो लवणीय जल से क्या होता है? क्लोरीन का निर्माण होता है। और जो क्लोरीन जो होता है, इसका उपयोग क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक है ना। जैसे मान लो लवणीय जल के रूप में अपन भुजा चूना ले लेते हैं, भुजा चूना, ठीक है। ये भुजा चूना है। जैसे फॉर्मूला इसका क्या होता है? NaOH2, ठीक है, CaOH2। अब इसकी क्रिया क्लोरीन से करा देते हैं तो क्या निकलता है? CaO एक ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा और ये Cl2, ठीक है। पीछे कितने? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो निकला है, ये है विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो जो क्लोरीन है, इसका निर्माण विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं, ठीक है ना। जो ये भुजा चूर्ण है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना, CaOH2, और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो भी जो इम्पोर्टेंट लवण है, उनके डाई का कोई फॉर्मूले पूछ लेते हैं। देखो, जैसे इम्पोर्टेंट है NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड मतलब खाने वाला नमक, ये खाने वाला नमक, ठीक है। जैसे ये हो गया NaCl3, ठीक है। देखो, ये वाला और Ca2CO3, ठीक है ना, दोनों लगभग सेम है। इसके अंदर केवल H आया हुआ है और इसके अंदर ये ट्वाइस वाला हुआ है Na2, ठीक है। तो ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब H के आने से इसका नाम क्या हो जाएगा? बाई लग जाता है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और ये टू आयन, ये खाली सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये वाला जो है, ये है खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा कह सकते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये जो है, इसमें क्या है? इसका फॉर्मूला डॉट NaCl2 भी है, NaCl2, ठीक है ना। ये इसका पूरा फॉर्मूला है, Na2CO3.NaCl2, ठीक है ना। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये कहां पर नाम होता है? ये धोने का सोडा, धोने का सोडा कह रहे हो, कपड़े धोने का सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट। और एक आता है NaOH, NaOH, ठीक है ना। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको फास्ट सोडा भी कहते हैं, ठीक है। देखो, पीएच स्केल क्या होता है कि विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना।
तो एक तो ये कह सकते हैं कि विलियन में अम्लीयता या क्षारीयता, ठीक है ना, याद करने के लिए। या फिर कह सकते हैं कि विलियन में हाइड्रोजन आने का, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसकी सांद्रता को ज्ञात करने, ठीक है ना, जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। अब ये पीएच स्केल क्या होता है, देखो पीएच स्केल के अंदर जो पी लिखा हुआ है, इसका पी का मतलब होता है पूर्ण सांस, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पोटेंट। ये है पोटेंच। देखो ये जो शब्द है ये एक जर्मन शब्द है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति, शक्ति मतलब पावर, ठीक है ना। ये पी क्या है, पी का मतलब है पुरुषांश, इसका साइंटिफिक नेम पुरुषांश, ये ना पोटेंच है। ये पूरा एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति यानी पावर, ठीक है। अब देखो पीएच स्केल का एक फॉर्मूला क्या होता है, पीएच स्केल का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है ना, एच प्लस ओ एच माइनस, ठीक है। अब देखो इसके लिए तीन बेसिक पॉइंट जो बता रहा हूँ, मतलब हर एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जाते हैं, जो तीन मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच फ्रास्ट के बीच में काम करता है, हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8, ठीक है ना, इसके बीच में काम करता है। दूसरा पॉइंट कि जो अगर पीएच 5.6 से कम हो जाता है, उस अगर मान लो बरसात का जो पानी है उसका पीएच मान 5.6 से अगर कम हो जाता है उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं कि 5.6 से कम होने पर वो उसको पानी का पीएच है वो क्या हो जाएगा, अगर 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा, ठीक है। और तीसरा कि अगर मुंह का पराश, यानी कि मुंह का जो पीएच है मान अगर 5.5 से कम हो जाता है, मुंह का पराश अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना, मतलब दांतों का खराब होना स्टार्ट हो जाता है, कह सकते हैं दांतों का क्षय होना स्टार्ट, ठीक है ना, दांतों का क्षय मतलब दांत खराब होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। देखो दांतों के बारे में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि दांत जो है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना, दांत के बारे में कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। और दांत बनते किससे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये तीन पॉइंट जो बताए हैं तीनों इम्पोर्टेंट है कि हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच फ्रास्ट के बीच में काम करता है। दूसरा अगर अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है अगर 5.6 से कम होती है तो वो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा 5.6 से कम होने पर वो अम्लीय वर्षा होती है। और मुंह का पराश अगर 5.5 से कम हो तो वो तो दांतों का क्षय होना मतलब खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो दांत ही होता है, दांत का इनेमल, दांत नहीं होते दांतों का इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये पीएच स्केल के बारे में बेसिक सी थी। अब देखो पीएच स्केल कैसे होती है, देखो पीएच स्केल जो होती है इसका मान
जीरो से लेकर 14 तक होता है, ठीक है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जीरो यहां पर आ गए जीरो और यहां पर है 14, ठीक है ना। तो पीएच इसके लिए वो जीरो से लेकर 14 के बीच में होती है, ठीक है ना। अब इसको भी दो भागों में मार देते हैं, तो जीरो से लेकर 7 तक, जीरो से 7 और फिर 7 से 14 तक, ठीक है। देखो जीरो से लेकर 7 तक इसको बोलते हैं अम्लीय भाग, ये क्या हो गया अम्लीय, ये है अम्लीय भाग, जीरो से 7 तक अम्लीय भाग और 7 से लेकर 14 तक, ठीक है, ये हो गया क्षारीय, ठीक है। जीरो से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय, ठीक है ना। इसको अपन H प्लस आयन से भी प्रदर्शित करते हैं, H प्लस आयन और इसको OH माइनस से, ठीक है ना। H प्लस आयन O OH माइनस, ठीक है। अब देखो जीरो से लेकर 7 इसके बीच में जो अम्लीय है वो कौन कौन से है, जैसे स्टार्ट करते हैं यहां से 1.2 जो जठर रस होता है, जठर रस 1.2 पर नींबू होता है, नींबू जो होता है वो होता है 2.2 पर, ये भी अम्लीय है, ठीक है। सिरका 2.4 पर, 2.8 पर शराब, ठीक है, और 6 पर मूत्र, 6.4 पर दूध, ठीक है, 6.5 पर आता है लार, ठीक है। ये क्वेश्चन घर में पूछ भी गए कि मूत्र का पीएच कितना होता है 6, या नींबू का पीएच कितना होता है 2.2, ठीक है ना। सांस पर क्या होता है उदासीन का मतलब है कि ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, ठीक है। अब सांस के बाद में तो 7.4 पर क्या आता है, 7.4 पर रक्त मतलब ब्लड, 7.7 पर क्या आता है पीत, ठीक है। 8.4 पर क्या आता है समुद्र का पानी यानी समुद्री जल, ठीक है। 10 पर क्या आता है, 10 पर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और 14 पर आता है NaOH, मतलब एकदम पूरा क्षारीय, NaOH में जो विलयन है, ठीक है ना, NaOH का विलयन है वो एकदम पूरा क्षारीय है, ठीक है। अब इसके बीच में आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हो कि दांतों का इनेबल है 5.5 या अम्लीय जल तो 5.6, मतलब 5.6 से नीचे आने पर अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है ना। 5.6 से नीचे अम्लीय वर्षा और 5.5 से नीचे आने पर दांतों का खराब होना स्टार्ट है, ठीक है, ये इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, अग्नाशय रस, अब जो अग्नाशय रस है वो किसके बीच में काम करती है, 7.5 से लेकर, से 8.3 के बीच में अग्नाशय रस, ठीक है। तो ये जो बेसिक पीएच स्केल है उसके बारे में पूरी डिटेल में बता दिया, ठीक है ना। जीरो से लेकर 7 तक अम्लीय हो गया H प्लस उसको बोल सकते हैं, 7 से लेकर 14 के बीच में क्षारीय यानी OH माइनस, 7 जो है उसको बता उदास है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि शुद्ध जल बोल दो, ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय, शुद्ध जल, प्योर वाटर, शुद्ध जल है, ठीक है ना। ये अग्नाशय रस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.5 से 8.3 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, ओके, थैंक यू।